हेलो फ्रेंड्स, देखो कितना प्यारा फ्लावर खिल रहा है मेरे गार्डन में सदाबहार का। देखो ये मेरा वाइट वाले सदाबहार का फ्लावर है। देखो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड फैजान। आज हम डिस्कस करेंगे टमाटर कैसे उगा सकते हैं सीड से। देखो मैंने आपके यहाँ कोई मतलब नर्सरी वगैरह होता वहाँ से सीड ले सकते हैं, लोकल नर्सरी, या फिर आपके मतलब शॉप वगैरह होता वहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ सीड वगैरह मिलते हैं। देखो आज मैं इनको जर्मिनेशन आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये पैकेट को खोल रहा हूँ, आपके सामने ही खोल रहा हूँ इस पैकेट को, एक खोल के दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ये इसके सीड है और भी बहुत सारे हैं, मैंने मतलब इतने ही निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। देखो ऐसे स्प्रिंकल कर दिएगा और देखो थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे हम। देखिए अभी दिखाते हैं आपको मिट्टी डालते हुए, थोड़ा मतलब इसमें से लेके हम डाल देंगे, हल्के से लेयर से बना देंगे जिससे मतलब सीड वगैरह उड़ के नहीं जाएँ। मतलब कुछ दिनों बाद जर्मिनेशन होगा, आप इसको ट्रांसप्लांट इजी टू तो थोड़े से बड़े हो जाएं, इसको न्यू करके निकालना और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना, उसमें आपके टमाटर आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। सर्दी तो आपको टमाटर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, देखा फ्रेंड्स को थोड़ी स्प्रिंकल कर रहा हूँ मिट्टी, सीड सही हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही सीड जर्मिनेशन हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड हैं। देखो मैंने पालक की सीड इसी नर्सरी से लिए थे, आपको दिखाइए। देखिए छोटे छोटे थे स्प्रिंकल सीड शुरू हो रहे हैं, देखो, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।